तो आज लक्ष्य में हम बात करने वाले हैं निलेश विश्वकर्मा, जो कि बांसल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इन्होंने एक रोबोट भी बनाया है। प्रोफेसर ब्रजेश और निलेश, आप दोनों का ही स्वागत है लक्ष्य में। निलेश, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपने रोबोट जो है वो बनाया है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू मैम। निलेश, जिस तरह से बंसल कॉलेज में ही आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरह का एनवायरनमेंट आपको लगता है बंसल कॉलेज का, किस तरह का वातावरण है वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है? मैम, जो बंसल कॉलेज का वातावरण है मेरे को एकदम बहुत बढ़िया लगता है। पढ़ने के हिसाब से उससे बेस्ट मेरे को वातावरण की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फैकल्टीज़ रहती हैं और जो क्लासेस का जो बना हुआ डिज़ाइंस है, तो ऐसा लगता है कि बच्चे को बस कंटिन्यू करता रहे, पढ़ने में लगा रहे। और वहाँ पे तो पढ़ने के हिसाब से वो तो ठीक ही है, लेकिन जो वहाँ के हमारे डायरेक्टर सर हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, एचओडी सर सपोर्ट करते हैं, फंक्शंस कराते रहते हैं और बहुत सी ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं कि जो बच्चा है कि पढ़ाई पे फोकस भी रहे और जो उनके फिजिकल एबिलिटीज़ है उस पर भी वो काम कर सके, और ताकि और जो हमारी ये अपनी CGPI वो भी लगता है, GDPI की अपनी क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें जो सर रहते हैं इंटरव्यू के लिए हमें ट्रेन करते हैं कि तुम्हारे कैसे इंटरव्यू होंगे। प्लेसमेंट की हमारी मतलब फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू करवा दी जाती है, और कम्युनिकेशन के लिए भी हमारी टीचर्स हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, क्लासेस लगती हैं जिसमें हम लोग की कम्युनिकेशन भी बेटर होती जाती है। इसमें हम लोग को यहाँ तो ठीक है सपोर्ट कॉलेज में मिलता है, लेकिन उसके बाद जब हमारी कम्प्लीट प्लेसमेंट होता है फोर्थ ईयर में, तब भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल, तो समझा जा सकता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो स्टूडेंट का बंसल कॉलेज में होता है। जिस तरह से निलेश हमने को बता रहे हैं कि जो वातावरण है काफ़ी सपोर्टिव है, और अब बच्चों के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो बंसल कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। निलेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी कौन सी ब्रांच है और आपने इस ब्रांच को क्यों चुना? मैम, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, और मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि कोई वर्क जो कोई भी सामान है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आखिर वर्क कैसा कर रहा है, तो मेरा हर बार ये जानने की इच्छा रहती है कि क्यों कर रहा है, कैसे काम कर रहा है और आखिर इसमें लगे क्या हैं। तो मेरे घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आता है तो मैं उसके सिर्फ ख़राब होने का इंतज़ार इसलिए करता हूँ कि मैं ताकि जान सकूँ कि इसमें आखिर है क्या और क्या काम है। इसमें ट्रांजिस्टर्स हैं तो ट्रांजिस्टर्स का क्या काम है, रेजिस्टेंस लगे हैं, ICs वगैरह लगी हैं, तो इसमें क्या कोडिंग की गई है जिस वजह से ये काम कर रहा है, आखिर इन सब का क्या मोटिव है इनका जो काम करता है। बहुत मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं इनको जानूं कि इसमें क्या होता है और क्या काम है इन सब का। बिल्कुल, तो आपने रोबोट भी बनाया है, इसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से आपको प्रेरणा मिली इस रोबोट को बनाने के लिए, और क्या कुछ जो है टीचर्स से हेल्प ली आपने, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया? मेरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कॉलेज में एक ट्रेनिंग हुई थी रोबोटिक्स और एरो मॉडलिंग के लिए की थी। पहले तो हमें रोबोटिक्स के लिए ड्रोन, एरोप्लेन, इन सब के कार्यविधि बताई गई कि ये कैसे उड़ते हैं, आखिर इनका काम क्या रहता है। फिर जैसे थोड़ा थोड़ा आगे चलते गए हमें पता लगा कि कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते रहते हैं, रोबो रेस होता है, रोबो वॉर होता है, रोबो सॉकर होता है, तो मैंने उसके लिए सोचा कि मेरे को इसके लिए कुछ रोबोट बनाना चाहिए। लेकिन जब मैंने मेरे सीनियर सर से, फोर्थ ईयर के सर से पता किया, तो उनने पूरा आइडिया दिया कि ये क्या आइटम है, क्या कैसे करेगा और काम कैसे करेगा, तो वो तो ठीक है उनने बता दिया, लेकिन फिर डिज़ाइनिंग का था तो सर ने बोला कि डिज़ाइनिंग तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो मैंने भी बहुत मेहनत की, हफ्ते भर तक सोचा, उसे बहुत कंसंट्रेट करके उसके डिज़ाइन पर फोकस किया, और मैंने एक अपने कॉलेज में बहुत यूनिक सा मैंने एक बोर्ड बनाया है। जो मैंने अब तक जो कॉम्पिटिशन खेले हैं भोपाल में, ऐसा बोर्ड अभी तक देखा नहीं गया है। बाकी मेरी मेहनत थी कि मैंने ये बोर्ड बनाया। चलिए, आगे भी मैं आपसे इस रोबोट के बारे में जानना चाहूँगी। निलेश, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से रोबोट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके द्वारा एक रोबोट बनाया गया है, इसके लिए ट्रेनिंग भी आपको दी गई, किस तरह से रोबोट काम करता है और कितना समय लगा, क्या कुछ डिफ़िकल्टीज आई? मैम, ये मेरा रोबोट है, इसको मैंने बनाने में बहुत मेहनत लगी। इसमें क्या था कि पहले तो दिक्कत थी कि इसमें मैंने एक बार बनाया था तो बहुत भारी बना था, तकरीबन 150 से 200 ग्राम का बना था। फिर मेरे को जो सर ने बताया, जो मेरे ट्रेनिंग करा रहे थे, तो उनने बताया कि जो रोबोट है उसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो सबसे हल्का करना पड़ेगा। फिर उनने मेरे को इसको हल्का करने के लिए प्लाई का बताया कि तुम्हें ये वाली प्लाई यूज़ करनी पड़ेगी।
उसके बाद फिर मेरे को उसके लिए कनेक्शन बताया गया, स्विच बताया गया कि कैसे काम करेगा, और उसके जो क्रॉस कनेक्शन थे, बैटरी तुम्हें कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, और जो उसके चलने का है, सबसे पहले तो इसमें रहता है कि तुम्हारा बोर्ड सही चलता नहीं है, तो इसके लिए मैंने इसके सस्पेंशन लगाया हुआ है, फ्री टू मूव है, इसमें सॉकअप वगैरह कुछ नहीं लगा है, इसमें स्प्रिंग भी नहीं लगी है, बस ये सिर्फ एक नट बोल्ट के उस पर काम करता है, तो जिससे जो रहता है कि ये एक तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं बड़े ट्रैक के लिए, इसे बड़ा भी कर सकते हैं, और ये जो है शॉकअप के बेस पे भी काम करता है, ब्रेकर वगैरह रहता है, तो अपना अलग अलग इसका मूवमेंट रहता है, इससे कई जो है कि हमें शॉकअप का खर्चा बच जाता है, और ये सीधा ऐसा ऐसा वर्क करता है। और जो इसका जो रिमोट दिया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, PS2 के जो बोर्ड है, जो उसका रिमोट आता है, मैंने उसको लेके इसमें स्विच का कनेक्शन किया हुआ है, तो मेरे को पहले तो एक बार ये हुआ कि एक बार बनाया तो मेरा पूरी मेहनत जो थी वो पूरी ख़राब सी लगी। फिर मैंने सर से बोला कि सर मैं क्या करूँ, तो फिर इन्होंने फिर एडवाइस दी, फिर उसके बाद मेरे को फिर से 2 हफ्ते करीब लग गए इसको फिर से बनाने में। फिर मैं जो अभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें मैंने पार्ट ले चुका हूँ 2-4 बार, तो इसमें मेरे को थोड़ी बहुत कठिनाई आई, लेकिन फिर ये अच्छा फिर हो गया, काम कर रहा है अभी। चले तो काफ़ी मेहनत लगी, साथ ही साथ टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट आपको किया और कई कॉम्पिटिशन्स में भी आप हिस्सा ले चुके हैं, और इस रोबोट की सफलता का श्रेय जो है वो सभी को जाता है, आपकी मेहनत को भी जाता है। नीलेश, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी 12th पास करके अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होंगे, उन्हें आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ एक ही सुझाव दूंगा कि अगर तुम्हें टेक्निकल जो फील्ड है, जो कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर इसमें तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम्हें बीटेक ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो अगर तुम्हें किसी फील्ड में या तुम्हारे जो काम कर रहे हो उसमें जब तक तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक तुम उस पर फोकस भी नहीं कर सकते, और तुम्हें आइडिया कुछ आएंगे ही नहीं, तुम सिर्फ ये सोचोगे कि बस काम चलता रहे जैसे भी हो, अपना टाइम पास हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बस तुम्हें क्या करना है कि अपने इंटरेस्ट पे फोकस करना है कि हमारा इंटरेस्ट आखिर है कहाँ। और जो अभी 11th में, जो 12th में जाएंगे उनके लिए भी एक और एडवाइस है कि जो उनके बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री के और मैथ्स के जो टॉपिक्स है उनको बस वह अच्छे से समझे, रटने का काम बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि ये जो है मैंने फर्स्ट ईयर में देखा है कि एज इट इज़ क्वेश्चन पूरे के पूरे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में आए हैं, तो मेरे को अगर मैंने पढ़ा होता या फिर पढ़ा था तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर तुम्हें पढ़ा होगा, अच्छा पढ़ा होगा या इंटरेस्ट होगा तो तुम्हें बीटेक करना चाहिए, और तैयारी भी तुम्हें उसके हाथ साथ करनी चाहिए, जैसे 3rd ईयर के बाद, 4th ईयर के बाद गेट एग्ज़ाम होता है बीटेक में, तो उसके लिए भी तुम कंटिन्यू में तैयारी कर सकते हो। 12th के बाद 1st ईयर है, 2nd ईयर है, 3rd ईयर है, जो टॉपिक रहते हैं जिस ब्रांच के जो उसी में जो रहते हैं क्वेश्चंस है, तो उसी से मिलके एक गेट, एक क्वालिफाइंग JEE जैसा ही एक एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए भी हमारी तैयारी मतलब 1st ईयर से ही शुरू हो जाती है। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि ये सारे सुझाव जो हैं वो बहुत काम आएंगे, और आगे के फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल लक्ष्य में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बंसल न्यूज़। नमस्कार।